जिस तरह से मैं आपको बेकिंग बता रही हूँ 28 to 30 मिनट्स में हमारा केक बेक हो जाएगा वन एटी की पावर में। लेकिन अगेन चलिए ठीक है, हम मानते हैं आप कहते हो हम वेस्टेज करने को तैयार हैं मैम, हम तो बनाएंगे, तो आपने अगर इसको 3/4 फिल कर दिया टिन को तो होगा क्या, 30 की जगह 45 मिनट्स लेगा क्योंकि इसकी हाइट के हिसाब से लेगा। तो जितनी देर आपका स्पॉन्ज हाइट में जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको याद रखना, उतना क्या है वो ड्राई होगा, हीट में है उसका मॉइस्चर जो है लेगा वो, तो वो ड्राई हो जाएगा। इसलिए आप इस मेरे वाले फंडे से अगर बेक करोगे तो आपका मॉइस्ट रहेगा, आप सोकिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा केक में, और टाइम भी बच रहा है, वेस्टेज भी बच रही है, तो सारी चीजों के जो बेनिफिट्स है इसी तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस फंडा को हमेशा याद रखना, कई बार होता है अब आपको समझ में आता है 3 स्लाइस में 1 किलो बनेगा, और वो सीधी सी बात है मैंने आपको मेजरमेंट दिया हुआ है। हमारी जो रेसिपी है अगर पूरी रेसिपी आप यूज करते हो